नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल हमें कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक में बाय करने की मैं सलाह दे रहा हूँ। आप जिस तरीके से देख सकते हैं एक 400 रुपीज़ के लेवल से हम लोगों ने एक फॉल देखा था एंड एक फॉल आने के बाद हम लोगों ने देखा एक हेड एंड शोल्डर, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है एंड इसका हमने एक ब्रेकआउट देखा है। सो हम लोग यहाँ पर एक बाय अपॉर्चुनिटी इनिशिएट करके चल सकते हैं। बट अगर मैं आप लोगों को इसका डेली चार्ट में से अर्ली चार्ट लेकर जाता हूँ तो वहाँ पर हम लोगों को एक बाय लेवल अच्छे से पता चल जाएंगे कहाँ पर बाय लेवल बनते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था एंड नेक्स्ट कैंडल रेड बन रही है। सो हमें वेट करना है कि इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाए या इसके ऊपर सस्टेन करने को मिल जाए, जो कि लेवल हमें देखने को मिल रहा है 331 का। सो जैसे ही 331 के ऊपर ये सस्टेन करता है बंधन बैंक तो या वी कैन गो फॉर अ बाय। और टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक आता है कोल इंडिया। कोल इंडिया भी आपको बाय करने के लिए ही दिया जाएगा। आपको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूं या सो आप यहां देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं या सो आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम यहां पर सपोर्ट देन सपोर्ट एंड इवेंचुअली जब ये वाला सपोर्ट इधर साइड ब्रेक हुआ, एक फॉल आया एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, उसके बाद इसने अब यहां पर डबल बॉटम टाइप सिनेरियो बनाया है एंड अब उस लेवल पे एग्जैक्ट पहुंच गया है। सो अगर ये 122.5 के ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट्स भी सस्टेन कर लेता है, सो या वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि आप देख सकते हैं सपोर्ट एंड सपोर्ट दो बार में ब्रेक हुआ एंड आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी क्यों है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बिकॉज आप देख सकते थे कंसिस्टेंट फॉल के बाद एक अपमूव आई एंड एक दोबारा फॉल आई एंड एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो था एंड प्रीवियस बॉटम को इसने ब्रेक भी नहीं करा एंड अपने प्रीवियस हाई को ही ब्रेक कर चुका है। सो प्रोबेबली हो सकता है कि वरना एक छोटी सी डिप देने के बाद ब्रेकआउट करे, बट आप इसको एक वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं, डेफिनेटली एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। नेक्स्ट स्टॉक इज ICICI प्रू। सो ICICI प्रू के अंदर भी मैं आप लोगों को बाय के लिए ही सजेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, सो या ये एक फॉल आया था एंड एग्जैक्ट फॉल पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो इसका ब्रेकआउट आया, बट ये इनफ नहीं है। दूसरी बात आप देख सकते हैं एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो दो पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए कि टू पॉइंट्स बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बायस बनता है, प्लस आप देख सकते हैं कि डबल बॉटम का सिनेरियो ही क्यों मैंने आपको ये सजेस्ट करा। मार्केट आप देखते थे अपवर्ड पोजिशन में है, एक रैली में है मार्केट, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जब ये हायर हाईज हायर लोज बना रही है, सो उसने कि यहाँ पर लो मारा एक नया हाई एंड एग्जैक्ट इधर लो डबल बॉटम टाइप सिनेरियो हुआ एंड ब्रेक डाउन हो गया। जैसे ही डबल बॉटम बना उसके बाद हम लोगों ने देखा जो हायर हाई हायर लो बन रहे थे वो अब लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन में आ गए। तो उसी समय अब क्या हो रहा है कि जब डबल बॉटम बना था तो लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे, अब डबल बॉटम बना है तो अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब यहां से एक फॉर्मेशन चेंज जिसकी हो सकती है। सो या इसके अंदर भी हम लोग कल एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक इज मैरिको। मैरिको में बाय करने की सलाह दी जाएगी आप लोगों को। थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊंगा तो मैं आप लोगों को लेवल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आपको फोकस करना है इस पर्टिकुलर लाइन पे, ये वाली लाइन देख रहे हैं, इस लाइन पे फोकस करेगा इस साइड पे। ये देख सकते थे ये इसके लिए रेजिस्टेंस, ये इसके लिए रेजिस्टेंस। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ हम लोगों ने क्या देखा कि एक अपमूव आई एंड उसके लिए वो सपोर्ट बन गया। आप देख सकते थे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन गया, जब सपोर्ट ब्रेक हुआ तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वही चीज यहां रेजिस्टेंस बन गई, एग्जैक्ट यहां रेजिस्टेंस एंड थर्ड टाइम यहां रेजिस्टेंस फेस कर रही है। सो प्रोबेबली इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 381 का है। सो जैसे ही 381 का लेवल ये ब्रेक करेगी तो हम लोग अच्छे लेवल्स इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्रोबेबली इसे अपने प्रीवियस स्विंग हाइज तक लेकर जा सकती है, जो कि लेवल आ रहा है 397 का। सो इसके अंदर भी हम लोग वॉच करके चल सकते हैं, बट हमें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक इज कॉस्मो फिल्म्स। सो या मैं इसमें जूम करके दिखा देता हूं।
मार्केट सबसे पहले बात आप देख सकते हैं, स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर है। एंड सेकंड बात अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं एक फॉल आया, एक फॉल आने के बाद ये एक रेंज के अंदर था, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं वहां पर रीटेस्ट हुआ, एंड रीटेस्ट के बाद एक दोबारा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने मूवमेंट दी है एंड अपने 50% को क्रॉस कर गया। तो ये बेसिकली एक हाई रिलायबल पैटर्न है। सो यहाँ पर हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसमें से सारी चीज़ें हटा देता हूँ, बेसिकली मतलब ड्राइंग्स जो मैंने बना रखी हैं अगर मैं उसे रिमूव कर देता हूँ, तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर भी फॉर्म कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग रैली, एक कप टाइप फॉर्मेशन, एंड ये इसके लिए एक हैंडल बन सकता है, इसका भी ब्रेकआउट आ सकता है। ये भी अजम्पशन है, बट अगर मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिखाऊं, तो फिबोनाची के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर 50% का रिट्रेसमेंट लेवल भी दिख रहा है। अगर कप का मैं अगर लूं, तो कप में आप देख सकते हैं कि जो इसने अपना हैंडल का रिवर्सल दिखाया है वो एग्जैक्ट 50% से दिखाया है, जो कि बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक है, क्योंकि 61 के बाद वो इनवैलिड हो जाता है। सो यहां से अच्छी तरीके से अपमूव कर रहा है, सो या वी कैन गो फॉर अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑल्सो, ठीक है। सो ये टोटल 5 स्टॉक्स थे। अब हम लोग आते हैं अपने निफ्टी के एनालिसिस पे। सो निफ्टी बैंक निफ्टी एग्जैक्ट सेम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था, एंड ब्रेकआउट होने के बाद हम लोगों ने एक गैप अप ओपनिंग देखी है, एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही है। अब जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि 12,250 के आसपास है, वहां तक जा सकता है, प्रोबेबली वहां तक गया है, क्लोजिंग कर चुका है। अब इसका अगर रेजिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड करने की कोशिश करें, तो थोड़ा सा हमें बैक जाना पड़ेगा। पीछे हम लोग देख सकते हैं कि अब इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो एग्जैक्ट लेवल जो निकल के आता है, लेट मी शो यू, जो इसका लाइफ टाइम हाई है जो कि आता है 12,400 का लेवल। सो यह प्रोबेबली 12,400 तक भी जा सकता है, उसका भी थोड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, एंड देन हम लोग एक इसके अंदर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हम लोग देख सकते हैं कि 12,000 को ये शायद ब्रेक ना करे, 12,000 से लाइफ टाइम हाई जो कि 400 पॉइंट्स है, इसी के अंदर ये ट्रेड करते रहे, ठीक है। हम लोग एक सेल ऑफ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट बढ़ चुकी है, सो यहाँ से हम लोग एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब जब तक साइंस शो नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट नहीं कर सकते। अब अगर हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, तो बैंक निफ्टी पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पे को फेस कर रहा है, ये इसके लिए सपोर्ट, ये इसके लिए सपोर्ट, इवेंचुअली सपोर्ट ब्रेक हुआ एंड वो अपने सपोर्ट के जोन पे दोबारा आ चुका है। सो अगर सपोर्ट के जोन के अंदर एंटर कर चुका है, अगर हायर रेंज की बात करूं, तो हायर रेंज का जो सपोर्ट आता है वो आता है 27,200, तो मतलब 27,200 इसका एक रेजिस्टेंस है, प्रोबेबली यहां तक जा सकता है। सो यहां पर अगर आता है और हमें वेट करना है, नेक्स्ट दिन अगर हम लोगों को एक सेल ऑफ दिखता है, तो या वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट इन बैंक निफ्टी, छोटा सा लेवल हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं 200-300 पॉइंट के लिए, क्योंकि यहां पर मल्टीपल और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो अभी ये ट्रेड कर रहा है करंटली 26,800 पे, तो प्रोबेबली 400 पॉइंट्स तक की एक रैली भी ये दे सकता है, ठीक है। सो ये हमारे लिए अभी भी बाय कैंडिडेट है, बट थोड़ा सा बिट कॉशियस, क्योंकि अपने एक रेंज के अंदर आ चुका है, रेजिस्टेंस रेंज के अंदर, तो ये कभी भी एक फॉल कर सकता है, ओके। सो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, होप यू ऑल लाइक इट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा, जहां पर हम लोग आप लोगों को कॉल्स प्रोवाइड करवाते हैं, बेसिकली जो भी हम आप लोगों को यहां 5 स्टॉक्स प्रोवाइड करवाते हैं, उसका किस लेवल पे बाय एंट्री टारगेट एंड स्टॉप लॉस, वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते हैं। सो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लस अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग हमसे सिग्नल सर्विस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे आपके पास सारे लिंक्स होंगे, आप जाके क्लिक कर सकते हैं, एंड वहां पर वीडियोस भी हैं डिस्कॉर्ड से रिलेटेड, आप जाके देख सकते हैं। सो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग ऑफ।